वंस अगेन मैं फिर से मैं आप लोग के लिए पास हाजिर हूँ, खास करके वैसे विद्यार्थी के लिए जो ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए मैं ट्वेल्थ के दूसरा यानी इंग्लिश पार्ट के सेकेंड चैप्टर के बारे में जानकारी देने आ रहा हूँ। उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स दे दिया था, और अभी जो मैं देने वाला हूँ सब्जेक्टिव में, आप लोगों को सबसे पहले समरी मैं देने वाला हूँ, सारांश देने वाला हूँ, खास करके ये 5 मार्क्स के आएंगे, 5 मार्क्स के आएंगे, और इसे बार बार सुनिए, बार बार देखिए और लिखने का प्रयास करिए, और उसको बाद हमेशा रिपीटेशन करिए। जब भी बैठे रहें तो इसको ज़रूर चालू करके सुनते रहिए, कम से कम उससे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, क्योंकि 5 मार्क्स बहुत आसानी से अगर लाना है तो सुनिए और लाइए। तो चलिए हम लोग स्क्रीन बोर्ड पर चलते हैं, आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, उसे समझने का प्रयास कीजिए, लाइन टू द लाइन उसे समझिए और उसे बार बार सुनिए, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए आ रहा है, कहते हैं भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ द स्पीच। भारत इज माई होम जो है एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच का है। स्पीच का एक्सट्रैक्ट फॉर्म माने होता है निकाला हुआ भाग, निकाला हुआ पार्ट, फॉर्म माने रूप, या निकाला हुआ भाग या निकाला हुआ रूप है, कटा हुआ भाग इसको बोल सकते हैं। विच हैज़ बीन डिलीवर्ड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, विच हैज़ बीन डिलीवर्ड जो दिया गया है, डिलीवर्ड में भाषण देने के लिए होता है, बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। एकदम सिंपल सेंटेंसेस और सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। इन हिज फर्स्ट स्पीच, इन्होंने अपने पहले भाषण में, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने पहले भाषण में, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में, ही वॉन्ट्स टू से दैट, वे कहना चाहते हैं कि ही हैज ज्वाइन दिस ऑफिस, उन्होंने जो ऑफिस ज्वाइन किया है, यानी राष्ट्रपति पद के जो गरिमा को जो प्राप्त किया है, राष्ट्रपति पद का जो शपथ जो लिया है, विथ टोटल डेडिकेशन, पूरी निष्ठा के साथ लिया है। निष्ठा का मतलब पूरी ईमानदारी के साथ लिया है, पूरी वफादारी के साथ लिया है। ही प्लेजेज हिमसेल्फ, वो खुद कसम खाते हैं, टू द सर्विस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंडियाज कल्चर, वे कसम खाते हैं किसके लिए, भारत की संपूर्ण संस्कृति के मूल्यों की सेवा के लिए कसम खाते हैं। ही प्लेजेज हिमसेल्फ, वो खुद कसम खाते हैं, टू द सर्विस माने सेवा के लिए, ऑफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू माने होता है संपूर्ण मूल्यों ऑफ इंडियाज कल्चर, भारत के संस्कृति के संपूर्ण मूल्यों की सेवा के लिए वे खुद कसम खाते हैं, यानी आप पर तोड़कर उसके बाद जोड़कर सीखिए। कहते अगेन ही प्लेजेस, पुनः वह कसम खाते हैं, हिमसेल्फ पुनः वह फिर से खुद कसम खाते हैं, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, अपने पास्ट कल्चर की वफादारी के लिए, लॉयल्टी के लिए, भक्ति के लिए वे कसम खाते हैं। बिकॉज द पास्ट इज़ नॉट डेड, क्योंकि यह पास्ट, अतीत जो है मरा नहीं है, अतीत मृत नहीं। अतीत का मतलब क्या, पास्ट का मतलब क्या, मैंने पास्ट वाले मूल्य, पास्ट वाले कल्चर, पास्ट वाले संस्कृति जो है अभी हमारे देश में जिंदा है, यानी पास्ट वाली चीज़ अभी मृत नहीं हुआ है, वो अभी भी जीवित है, एंड इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, ये अभी तक जिंदा है और गतिशील है, चल रहा है, पास्ट वाली कल्चर को हम लोग ढो के चल रहे हैं, यानी वो अभी भी जिंदा है, एंड इज़ इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ प्रजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आर फ्यूचर, और यह हमारे वर्तमान के गुणों में और हमारे फ्यूचर की उम्मीदों में भी इन्वॉल्व है, यानी शामिल है। कौन, पास्ट वाले कल्चर। कहते ऑनवर्ड माने आगे, पैराग्राफ राइटिंग चेंज कर रहा हूँ, ऑनवर्ड आगे, ही सेज दैट, वे कहते हैं कि द होल ऑफ भारत इज माई होम, संपूर्ण भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं, यहाँ के लोग यानी भारत के लोग, द पीपल हैव चूजन मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, पीपल माने लोग ने हमें इस परिवार का मुखिया चुना है, इस परिवार क्या बनाया है, मुखिया बनाया है, सो आई वॉन्ट टू मेक दिस होम स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल, इसलिए हम इस घर को सुंदर और मजबूत बनाना चाहते हैं। कौन चाहते हैं, डॉक्टर हुसैन चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, वी शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, हम लोग को देश के भलाई के लिए काम करना चाहिए, एंड द वर्क हैज़ टू एस्पेक्ट्स, एंड काम के दो रूप हैं, काम के दो प्रकार हैं, दो पहलू हैं, एक इंडिविजुअल, एक का नाम व्यक्तिगत है, एंड दूसरा है सोशल, दूसरा है सामाजिक, यानी काम कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक इंडिविजुअल, दूसरा सोशल, एक इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत जो खुद के लिए काम करते हैं, और दूसरा है सोशल यानी सामाजिक जो समाज के लिए काम करते हैं, वो ही बताने जा रहे हैं। बट एन इंडिविजुअल कांट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ सोसाइटी, लेकिन इंडिविजुअल काम जो है, व्यक्तिगत जो काम है, वह पूरी तरह से, पूर्ण
यानी फुल परफेक्शन के साथ वह कभी भी उन्नत नहीं हो सकता है, कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है, विकास नहीं कर सकता है, विकसित नहीं हो सकता है बिना समाज के सहारे, यानी बिना समाज के अस्तित्व, बिना समाज के मदद के बगैर यह इंडिविजुअल काम ग्रो नहीं कर सकता है, यानी फुल परफेक्शन से वह ग्रो नहीं कर सकता है, पूरी परफेक्शन से वह कभी भी परफेक्शन होना समझते हैं ना, पूर्ण रूप से। एट लास्ट द प्रेसिडेंट कीप्स होप, अंत में राष्ट्रपति उम्मीद रखते हैं, उम्मीद बनाते हैं, रखते हैं कि इंडियन पीपल विल क्रिएट एनर्जी फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द शेड्यूल टास्क। कहते हैं इंडियन लोग ये उम्मीद रखते हैं कि लोग, भारत के लोग जो है ना, क्रिएट एनर्जी माने ऊर्जा पैदा करेंगे अपने अंदर फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द शेड्यूल टास्क, ये दोनों कामों के संतोषप्रद प्रदर्शन के लिए, सेटिस्फैक्ट्री माने संतोषप्रद, परफॉर्मेंस माने प्रदर्शन के लिए यहाँ के लोग, भारत के लोग क्या उत्पन्न करेंगे, एनर्जी पैदा करेंगे, एंड ही विल आल्सो कंट्रीब्यूट हिज शेयर, और वे भी इनमें अपना योगदान प्रदान करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी चाहते हैं कि यहाँ के लोग एक, यहाँ के लोग जो है ना अपने अंदर एनर्जी पैदा करेंगे इन दोनों कार्य के प्रति, और मैं भी अपना सहयोग इसमें शेयर करूँगा। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ फाइव मिनट्स में आप 5 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसको आप बार बार देखिए, सुनिए और लिखिए, स्क्रीन पर आया हुआ है, और टेलीग्राम पर भी आप देख सकते हैं, टेलीग्राम भी माइंड पावर इंस्टीट्यूट के नाम से बना हुआ है, आप उसको टेलीग्राम अपलोड करके उसको सर्च करिए, सर्च करने के बाद नीचे लिंक आएंगे, उनसे जुड़िए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हर एक चीज़ों के बारे में आप गेन कर सकें। थैंक यू।